हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट फ्लाइट बुक्स ए लेटर टू गॉड फर्स्ट यूनिट पार्ट नंबर 2। हमने ए लेटर टू गॉड यूनिट का फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। एक लेंचो नामक किसान होता है। वह अपने खेत को सुबह सुबह देख रहा होता है। उस समय उसके खेत में बहुत ही कम बारिश हो रखी होती है। वह मन ही मन भगवान से दुआ करता है कि अच्छी बारिश हो जाए, नहीं तो कम से कम हल्की फुल्की बारिश भी हो जाए तो भी उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। वह अपनी पत्नी से भी बारिश के बारे में बात करता है। तब उसकी पत्नी कहती है, हाँ जरूर अच्छी बारिश होगी। उसकी पत्नी अपने बच्चों को वहाँ बुला लेती हैं, जिसमें एक बड़े वाला बच्चा खेत में काम कर रहा होता है तथा जो छोटे वाला बच्चा होता है वो पास ही खेत के अंदर खेल रहा होता है। इतने में धीरे धीरे मंद मंद हवा चलनी शुरू होती है तथा बादल आकाश में छा जाते हैं और फिर उत्तर पूर्व दिशा से बादल आते हैं और मूसलाधार बारिश करते हैं। इतने में से एक जोरदार तूफानी हवा आती है और ओलावृष्टि शुरू हो जाती है। अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हवा के कारण भी उसके फसल, पेड़, फल, फूल, पत्तियां आदि सब नष्ट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। वह अपने पुत्र से कहता है, यदि टिड्डी दल भी आ जाता तो इतनी फसल बर्बाद नहीं होती। इस बारिश ने तो हमारी पूरी फसल को ही बर्बाद कर दिया है। इस साल हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई तरह का अनाज का कण हमारे लिए पैदा नहीं होने वाला है। अब वह निराश हो जाता है तथा उसके सामने केवल मात्र एक आशा बचती है और वो आशा है उसके भगवान। वह मन में सोचता है कि कुछ भी हो जाए, भगवान किसी को भूखे नहीं मरने देता है। वह मन ही मन भगवान को मदद के लिए पत्र लिखने की बात अपने मन में आती है तो वह अब पास ही गांव के जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर पत्र लिखकर पोस्ट ऑफिस में डालने चले जाता है। जब पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं उस पत्र को पढ़ते हैं तो उनको बड़ी हंसी आती है और वो अपने बड़े अधिकारी, अपने बॉस के पास जो वहाँ का डाकपाल होता है वो ले जाकर दिखाते हैं। डाकपाल बड़ा ही दयालु और मिलनसार होता है तथा वो सोचता है कि देखिए इसके मन में भगवान के प्रति कितनी आस्था है। काश ऐसी आस्था भगवान के प्रति मेरी भी होती। अब आगे आज नए चैप्टर से शुरू करते हैं। सो आई इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक की भगवान के प्रति आस्था डिगे नहीं, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को एक अपने मन के अंदर विचार आता है, आइडिया आता है, आंसर द लेटर, और वो चाहता है कि वो इस पत्र का उत्तर दे। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब वो इसको खोलता है, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजुलेशन। जब पोस्ट मास्टर उस लिफाफे को खोलता है और देखता है कि इसके अंदर क्या है, यहाँ पर गुडविल का अर्थ होता है सद्भावना और इविडेंट का मतलब होता है क्लियर करना, स्पष्ट करना, रिजुलेशन का मतलब होता है संकल्प। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वो अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो भी अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट उसमें देना चाह रहा था। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का अर्थ होता है दान, ऑब्लाइज का अर्थ होता है किसी को बाध्य करना, सेवरल का मतलब होता है अनेक, सैलरी का मतलब होता है वेतन और पार्ट का अर्थ होता है हिस्सा, आक्स फॉर का मतलब होता है मांगना। वो अपने सभी मित्रों, दोस्तों तथा कर्मचारियों को इसके लिए बाध्य करता है और कहता है कि हम कुछ न कुछ उस व्यक्ति के लिए दान जरूर देंगे ताकि उसकी भगवान के प्रति आस्था बनी रहे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पोसेस। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी 100 पैसों का मतलब होता है वहाँ की मुद्रा। एक साथ 100 पैसे उसको इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, वो इनका आधा इकट्ठा करके भेजना चाहते थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप
addressed to Lancho and with it a letter containing only a single words, a signature God. Signature का अर्थ होता है हस्ताक्षर, single word यानी एक शब्द में, containing का मतलब होता है समावेशित करना, मिलाना. इस प्रकार उन्होंने इकट्ठे किए हुए धन को लेंचो का जो पता था उस पत्ते पर उस लिफाफे में रखकर उसको लिख देते हैं तथा हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिखते हैं भगवान गॉड. पहला ओरल क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. लेंचो की आस्था किसमें या क्या थी. व्हाट डिड ही डू और उसने ऐसा क्या किया उसके लिए. तो लेंचो की आस्था भगवान में थी. तो हम उसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं लेंचो हैड अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड. भगवान के अंदर उसकी असीम आस्था यानी अटूट विश्वास था. ही बिलीव दैट गॉड कुड नॉट डेनी हिज रिक्वेस्ट फॉर हेल्प. यानी उसे भगवान पर इतना विश्वास था कि उसे आशा थी कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, उसका निवेदन जरूर स्वीकार करेंगे. और लेंचो ने इसके लिए क्या किया. लेंचो ने इसके लिए भगवान को पत्र लिखा था. लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू सेंड 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप केम. ही वेटेड फॉर द रेस्पॉन्स. यानी लेंचो भगवान को अपने खेत को पुनः बोने तथा फसल अच्छी हो जाए और उसको जीवित रखने के लिए 100 पैसोज मांगने के लिए पत्र लिखा और इसे प्रेषित भी कर दिया और फिर उस लेटर के आंसर का इंतजार करने लगा. ये काम किया. अगला जो पर्सन है हु रीड द लेटर. लेटर किसने पढ़ा. तो लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था. जो वहाँ पर अधिकारी थे डाकपाल थे वो पढ़ा था. सबसे पहले डाकिये को पत्र दिखा तो वो लेकर सबसे पहले ले जाकर अपने बॉस अधिकारी को दिया था. तो उस अधिकारी ने उसको खोलकर पढ़ा था. तो यहाँ पर हम जहाँ हु शब्द लिखा है वो शब्द हटाकर यहाँ पर हम लिख देंगे पोस्ट मास्टर रीड द लेटर. इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा. तो आप ऐसे लिख सकते हैं द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर व्हेन ए पोस्टमैन ब्रॉट इट टू हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. और तब डाकपाल ने क्या किया. जब उन्होंने पत्र पढ़ लिया तब उन्होंने क्या किया. उन्होंने सबने पैसे इकट्ठे करने की सोची ताकि उसका भगवान के प्रति विश्वास बना रहे. हम इसका आंसर यहाँ से लिखते हैं इन ऑर्डर नॉट सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया. और उसके बाद ये और लिख सकते हैं कि उनके कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि पैसे इकट्ठे करेंगे. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर एब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. अब हम आगे बढ़ते हैं. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम. अगला जो रविवार था उस रविवार को वो ये पूछने के लिए वहाँ आया लेंचो लेटर का क्या हुआ. उस दिन थोड़ा जल्दी भी आ गया था. इट वॉज ए पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रियसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. जब पोस्टमैन डाके ने उनको ये लिफाफा पकड़ाया तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये पैसे वगैरह देकर या इस पत्र को देकर धन्यवाद वगैरह देगा. तो इस प्रकार अपनी आंखों से वो देखते रहे. लेकिन आगे क्या होता है देखते हम. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी. जब लेंचो उस पत्र में से मनी यानी पैसे देखता है तो उसको किसी प्रकार का कोई आश्चर्य यानी सरप्राइज नहीं होता है. सच वॉज द कॉन्फिडेंस. जैसे उसको पूरा भरोसा हो कि भगवान ने उसको पैसे भेज दिए हो. बट ही बिकेम एंग्री. लेकिन वो नाराज हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब वो पैसों को गिनता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. भगवान कभी गलती करता ही नहीं है. मिस्टेक यानी गलती. भगवान को पैसे गिनने में शायद गलती नहीं रही होगी. नॉर कुड ही हैव डिनेट लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और लेंचो को ये भी पूरा भरोसा था कि उसने जितनी राशि भरी है और भरकर भगवान को जो भेजा है पत्र शायद भगवान ने पूरे पैसे भेजे हैं. लेकिन ऐसे कैसे हो सकता कि उसको वो पूरे पैसे नहीं मिले. इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. वहाँ पर समीप खिड़की पर जाता है. वहाँ पर पेपर और इंक यानी स्याही लेता है
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर एक टेबल होती है लिखने के लिए, उस टेबल पर बैठ जाता है. ही स्टार्ट टू राइट, और वो लिखना प्रारंभ कर देता है. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो कमल होता है भय, और रिंकली कमल होता है सकोड़ना. कॉजेस बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो अपने मन के अंदर कुछ सोच रहा होता है. जब हम लिखने के लिए कुछ सोचते हैं तो हमारी भौंहें हैं वो इधर उधर सकुड़ती हैं. इसी प्रकार का उस समय उसका हाल था. When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब वो पत्र लिख लेता है तब वो खिड़की के पास जाता है और वहाँ से वो बाई करता है स्टाम्प, स्टाम्प खरीद लेता है. Which he licked and then affects. एफेक्स का मतलब होता है चिपकाना. जब हम टिकट को चिपकाते हैं तो उसके पीछे थोड़ा थूक वगैरह लगा के चिपका देते हैं, वही लिख है यहाँ पर. द एनलॉफ विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट, अपने मुट्ठी के प्रहार से उस स्टाम्प को उस लिफाफे के ऊपर चिपका देता है. द मोमेंट्स द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जब वो उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है, वहाँ पर पोस्टमास्टर जाता है और उसको खोलता है और खोल कर देखता है कि इसमें क्या लिखा है. लिखा है, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रीच मी, भगवान आपने जो पैसे भेजे हैं वो मेरे पास केवल मात्र 70 पैसेस पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है और जल्द से जल्द मुझे बाकी के पैसे भेजने की कृपा करावे. बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल, अब की बार मुझे इस प्रकार की डाक से पैसे मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रक्स लेंचो, लेंचो के ये पैसे हैं वो यहाँ के जो कर्मचारी है वो बीच में ही डकार जाएंगे. यहाँ पर शब्द है क्रुकस, CROKS. क्रुकस का अर्थ होता है बेईमान. कहने का अर्थ है कि भलाई का कोई जमाना ही नहीं है. बेचारों ने क्या सोचकर भलाई की, लेकिन वो उनके लिए उल्टी पड़ गई. आगे क्या होता है, क्या होना चाहिए और इस कहानी का एंडिंग क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है कमेंट करके. ये कहानी आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा. अब इसके दो ओरल क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लेते हैं. बाकी टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे. इसलिए आप हमारे साथ नियमित रूप से बने रहें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें तथा अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके. ओरल क्वेश्चन नंबर 1, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, जब लेंचो को वो पत्र मिला और पैसे मिले तो वो क्या वो देखकर खुश हुआ, वो आश्चर्यचकित रहा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. लेंचो को क्या पूरा पक्का विश्वास था कि उसने जो भगवान को 100 पैसे के लिखा है वो सब पैसे उसको मिलने वाले हैं, भगवान उसको जरूर भेजेंगे. वो भगवान के प्रति पूरा फेथ रखता था. इसका आंसर होगा नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट. He had full faith to get it. उसको पूरी आशा थी कि उसको पूरे पैसे मिल जाएंगे. He knew that God would certainly send him money. उसे पूरा भरोसा था कि भगवान निश्चित रूप से उसको पैसे भेजेंगे. अगला है, What made him angry? उसने किस बात से नाराजगी हो गई, यानी वो नाराज क्यों हो गया? वो नाराज इसलिए हो गया कि उसको पूरी आशा थी कि भगवान उसको जितने पैसे 100 पैसे से लिखा है पूरे पैसे भगवान भेजने वाले हैं, लेकिन उसको 70 पैसों से ही मिले हैं, यानी बाकी के पैसे यहाँ के जो कर्मचारी है वो खा गए हैं, वो भ्रष्ट हैं. लेंचो हैड आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसों बट ही फाउंड ओनली 70 पैसों. सीइंग द मनी लेस देन हिज रिक्वायरमेंट ही बिकेम एंग्री, इसलिए वो नाराज हो गया. He thought that the post office staff had stolen his 30 pesos. उसके जो स्टाफ के कर्मचारी है वहाँ के पोस्ट ऑफिस के, उन कर्मचारियों ने उसके 30 पैसों को चुरा लिया है, इसलिए वो नाराज हो गया ये सोचकर. अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के अंदर हम इस पार्ट के जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो करवाने वाले हैं. इसलिए आप नियमित रूप से हमारे साथ बने रहें. तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त दीजिए. आज्ञा, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद.